तो यहाँ पे मैंने दो बियर की बॉटल्स पानी में भिगो के रखी थी। देखो इसका पानी मैं निकाल लेती हूँ। तो बॉटल्स का पानी मैंने निकाल लिया, इसको भिगो के रखी थी इसलिए कि इसका स्टिकर अच्छे से निकल जाए। तो मैं अभी इसका स्टिकर निकाल लूंगी। देखो ये स्टिकर कितने अच्छे से निकल रहा है। इसको भिगो के रखने से स्टिकर बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो इससे मैं आज कुछ बनाऊंगी। पहले मैं स्टिकर दोनों बॉटल का निकाल लेती हूँ। तो दोनों बॉटल का स्टिकर देखो मैंने पूरा निकाल लिया और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। चलो दिखाते हैं मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कलर्स ले लिया है। देखो अभी मैं बॉटल्स को कलर करूंगी, दोनों बॉटल को सेम कलर करूंगी। तो चलो दिखा दी। तो मैं ना एक एक करके बॉटल्स को कलर कर रही थी, पहले एक बॉटल को फिर दूसरे बॉटल को। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर लिया, पूरे बॉटल को ब्लैक कलर कर लिया। देखो दोनों बॉटल को ब्लैक कलर कर लिया। और उसके बाद ना बॉटल के नीचे साइड में और ऊपर साइड में ऐसा फेविकॉल गम लगा के ऐसे मोटा धागा थोड़ा उसको फोल्ड कर ले रही थी मैं। उसको करने के बाद ड्राई करके ये देखो मैंने यहाँ पे इसको पूछी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, वो लगा लिया। देखो लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था वो। मैं पहले सोची थी इतना ही रखूंगी बट बहुत सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा बहुत और डेकोरेशन कर दिया उसको। देखो ये बन गया, कंप्लीट हो गया। और एक बनाया मैंने, ये दो बनाया और एक बनाया मैंने, और एक ये वाला, ये मैंने आज ही बनाया, इवनिंग को बनाया, पहले ये ट्राई किया तो ये अच्छा बना, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद बियर के बॉटल में वो वाला बनाया। तो आज का वीडियो यही तक था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।